हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीदी मन में। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जितने भी वैकेंसियां हैं, पीजीटी हो, टीजीटी हो, बाल वाटिका टीचर्स की हो, सभी मैं कवर करने की कोशिश करती हूं, ताकि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो वहां पर जो है वह जा सके। केवल जो है आपका लोगों का इंटरव्यू होगा, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम टेस्ट जो है वो आपका नहीं लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे खैरागढ़ रायपुर से जो वैकेंसी है पीजीटी की है, यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की है, यहाँ पर इसके अलावा जो है बाल वाटिका टीचर्स की भी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो फटाफट से जो हम देख लेते हैं केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़, और यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को 17-7 को जो है वो जाना है। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर क्या है, किसी भी तरीके का कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, और आप जिस सब्जेक्ट के लिए जाएंगे तो उसी सब्जेक्ट से कंसर्न आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ना पूछे, केवल आपके बारे में जो है वो केवल इंट्रो ही ले लें। तो यहाँ पीजीटी इंग्लिश के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में बीएड, ठीक है। यहाँ पर आपका पीजी प्लस बीएड आपका चाहिए। नेक्स्ट जो पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है यहाँ पर, तो इसमें जो है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से अगर आपने किसी में पीजी कोर्स किया है, और यहाँ पर एक और कंडीशन लिखी गई है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में आपने बॉटनी और जूलॉजी जो है वो पढ़ा होना चाहिए, ये भी यहाँ पर कंडीशन दी गई है पीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। सैलरी जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीजीटी के लिए सैलरी काफ़ी अच्छी है, 32,500 है, ठीक है। तो एक तो बहुत अच्छी बात क्या हो जाती है, जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन क्या है साइड में अर्निंग जो है वह बनी रहे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी होती रहे, तो बहुत अच्छी बात यहाँ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 6 या 7 घंटे आपको स्कूल में अगर पढ़ाना होगा, और उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना होगा जिसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और बहुत डीप में जाकर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, जब हमें पढ़ाना होता है कोई चीज़ तो हम बहुत डीप में जाकर उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है यहाँ पर, और सैलरी 32,500 भी यहाँ मिलेगी आपको। यहाँ आपके जो है बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमसीए, या फिर इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और मेरे पर्सनल ये चीज़ आप लोगों को कहनी है कि ज़रूर अप्लाई करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, 10-12 वीडियो जो भी इतने दिनों में बनाए हुए हैं केंद्रीय विद्यालय के, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें जो आपको दिखेंगी। आप जहाँ के लिए भी एलिजिबल हो ज़रूर अप्लाई करें। बाल वाटिका टीचर्स की भी इस स्कूल में वैकेंसी है, और वॉक इन इंटरव्यू भी इसी दिन होगा, 17 जुलाई, ठीक है। यहाँ सैलरी जो है वो 26,250 आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आप लोगों के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी क्लास यहाँ पर जो है वो 10th लिखा है, ठीक है। 10th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मिनिमम 18 ईयर ऑफ एज, कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए, और आपने जो है ट्रेनिंग कर रखी हो प्री स्कूल एजुकेशन की, एनी पर्सन प्रोसेसिव स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, या और भी कोई कर रखी हो, तो यहाँ पर ये चीज़ डिमांड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर नीचे नोट में लिखा हुआ है, जहाँ हर केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो है आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कैसे जो है वो आप फिल करोगे। एक तो आपको पढ़ाना हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में पढ़ाना जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो है वो वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं अभी जो है वो बिल्कुल, ये रही आपकी साइट, ठीक है, और ऑथेंटिक साइट, और नोट में क्या लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है वो आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। जरूरी ही नहीं है कि केवल हिंदी इंग्लिश ही जो है वो वहाँ कम चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों चलती हैं, आप सभी जानते हो। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज और डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन विद अ कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो 17 जुलाई को जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है लेकर स्कूल में पहुँच जाना है। ये जो है वो आपकी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट का जो लिंक है ये आप जो है बिल्कुल स्क्रीन शॉट ले लें, और आपको एप्लीकेशन अगर करनी है तो इस पर डायरेक्ट जाकर जो है वो आप करेंगे।
तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ लिखोगे पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे, फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। यहाँ पर आप जो है जो भी आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो हो या अभी जो है आपने खिंचवाया होगा वो आप यहाँ पर जो है लगा देंगे। उम्र जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, मेल में आप जो है मेल या फीमेल हैं तो यहाँ लिख देंगे। कैंडिडेट जो है वो अपना कंप्लीट जो है वो एड्रेस, जिससे कि आप लोगों को कांटेक्ट किया जा सके, तो आपका नाम है, फादर नेम है, एड्रेस है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, पिन नंबर है, मोबाइल नंबर वही आप दें, जिससे कि आप लोगों का जैसे इंटरव्यू हो जाता है तो आपको डायरेक्ट कॉल आएगा कि आप जो है आए और ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की आप यहाँ पर भरेंगे, किस साल आपने पास किया है, क्या मार्क्स रहे परसेंटेज में, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने, मैक्सिमम मार्क्स हैं उसमें से कितने आपने हासिल किए हैं, सब्जेक्ट आपके क्या रहे हैं, किस जो है मंथ जो है आपने किया है, ये किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो ये आप सभी भर देंगे। जो कंप्यूटर साइंस के हैं तो है जो है BCA या BE या BTech इन्होंने किया है तो यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसके अलावा अदर, अगर आपने अदर भी क्वालिफिकेशन कोई ले रखी है, जैसे कंप्यूटर कोर्स अगर अलग से ही कर रखा है या और भी अगर कुछ कर रखा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको है पीजीटी के लिए आप जो है वो बीएड डालेंगे, और अगर आप बाल वाटिका के लिए डाल रहे हैं तो JBT, बीएड, डीएड, ठीक है, ये आप डालेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको जो है वो आप ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इन जो भी आपके पास है उसके साथ में लेके जाना है, जैसे अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस है तो उसका प्रूफ लेके जाएं, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पर अगर सीटेट किया हुआ है आपने तो आप जो है यहाँ पर इसको फिल करेंगे, वेदर क्वालिफाइड सीट एट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, कौन सा आपने किया है, प्राइमरी का सेकेंडरी का किया है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। यदि आप नो कर देंगे तो नेक्स्ट जो है या कॉलम जो है वो बिल्कुल ब्लैंक छूट जाएगा। अगर आपने कर रखा है सीट एट क्लियर तो द मार्क्स ऑब्टेंड एंड ईयर ऑफ रिजल्ट इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको सारा कुछ यहाँ भरना होगा, मार्क्स भरने होंगे, परसेंटेज भरने होंगे, किस साल किया है वो यह भरना होगा। आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना जानते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे यस या नो लिखोगे, बिल्कुल सच लिखोगे, झूठ नहीं लिखना है। डू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप यहाँ पर लिखोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। एनी अदर इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोफिशिएंसी इन, अगर आपको और भी कोई नॉलेज है आपके अंदर, जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी हो, किसी को स्पोर्ट्स की होती है, NCC है, गेम है, ठीक है, स्टेट या नेशनल लेवल में अगर आपने लिया है तो वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने जो कुछ भरा है वो बिल्कुल सही है सारी चीज़ें, यहाँ डेट लिखना है उस दिन की, जगह लिखनी है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सिग्नेचर कर देने हैं, अपना नाम लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने फटाफट से जो है वो आप लोगों को ये चीज़ बता दी है, आप लोगों को बिल्कुल मेन जो साइट है मैं हर वीडियो में जो है वो बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई बच्चा जो है वो केवल उसी वीडियो को देख रहा होता है, ठीक है, तो वो कहता है कि हमें तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ सबसे पहले आप जो ऑथेंटिक साइट केंद्रीय विद्यालय खेरागढ़ रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में आप आ जाएंगे। सबसे पहला नंबर है टाइटल में वॉक इन इंटरव्यू नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर सेशन 2023-24, इसको आप डाउनलोड करेंगे, पब्लिश डेट है 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई को ये जो है पब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट जो बायोडाटा का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द सेशन 2023-24, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। थैंक यू।